वेलकम टू फिट गाइडर जी। मैं आपको आज बताने वाला हूँ PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीसेस और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS को कैसे रोक सकते हैं आप, इसके लिए क्या करना है और किस और क्या नहीं करना है। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, PCOD ज़्यादातर महिला में पाया जाता है। देखिए, अब इससे होता क्या है, ये हार्मोन इम्बैलेंस से होता है, जिससे आपका मेल हार्मोन बढ़ जाता है, टेस्टास्टेरोन। देखिए, मेल हार्मोन फीमेल में पाया जाता है पर कम पाया जाता है, और अगर बढ़ जाता है तो PCOD का प्रॉब्लम हो जाता है। अब इससे होता क्या है, जैसे कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आता है, इनरेगुलर पीरियड, हैवी ब्लीडिंग, हेयर ग्रोथ, मुंह पर बाल आना और बाकी बॉडी पार्ट पे एक्नी। देखिए, मेल हार्मोन बढ़ने से आपका स्किन ऑयली हो जाता है, जिससे एक्नी आने का, पिंपल्स आने का ज़्यादा चांस रहता है। वेट गेन और मेल पैटर्न बेल्डनेस, जैसे आप पुरुषों में देखे होंगे कि बाल कैसे उड़ता है, थिन होके उड़ जाता है जिससे, तो ऐसे ही PCOD में पाया जाता है महिलाओं में। अभी इससे कौन सा बीमारी होने का ज़्यादा चांस रहता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और गुड कोलेस्ट्रॉल का घट जाना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और वेट लॉस के डाइट लेने पड़ेंगे। डाइट जैसे कि हाई प्रोटीन और हाई फाइबर, ब्रोकली ले सकते हैं आप, गोभी ले सकते, बादाम ले सकते, अखरोट ले सकते, अंडा, चिकन, फिश जिसमें ओमेगा फैटी एसिड है और प्रोटीन है, स्प्राउट्स ले सकते, ब्लैक चना, मूंग, सभी टाइप के दाल ले सकते हैं। देखिए, डाइट और एक्सरसाइज बहुत फायदेकारी है PCOD जिससे भी होता है महिलाओं में। अगर इस पे आप कंट्रोल कर लेंगे तो ज़्यादातर चांस रहता है PCOD बीमारी को घटाने में। बहुत जन मेडिसिन लेते हैं और ये डाइट और एक्सरसाइज नहीं अपनाते हैं, तो इसलिए PCOD उनका घटता नहीं है। आप अगर मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से लीजिए, पर ये भी डाइट और एक्सरसाइज पे आपको फोकस करना है। और अभी आपको क्या नहीं खाना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है, तला हुआ खाना जैसे आप बाहर खाते, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कुछ भी तला हुआ, चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें शुगर ज़्यादा हो, ये सब पर आपको रोक लगाना है। लो कार्ब डाइट और लो फैट और कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है, जैसे कि स्वीट पोटैटो जिसमें प्रोटीन और फाइबर और बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ओट्स, रोटी, ब्राउन राइस, ये सब अच्छे सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्ब के। और आपको वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ये सब पर कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, ज़्यादातर PCOD 15 से लेके 45 तक के महिलाओं में पाया जाता है, 27% हार्मोन इम्बैलेंस से, जिससे टेस्टास्टेरोन बढ़ जाता है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।